नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड जो ये पूरी टीम बनाई गई थी, अब उसमें इस रणनीति में फेरबदल किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जी हां, अब इसमें मानवीय टच दिया जाएगा। जो डीजीपी है सुल्तान सिंह, उसने ये कहा है कि मॉरल पुलिसिंग, जो पुलिसकर्मी है वो ऐसा ना करे, और कुछ सुधार के साथ, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी पूरे मामले की, और साधारण सी अगर गलती पर किसी को पकड़ा जाता है तो उसे जेल के बजाय आरोपियों को अभिभावकों को सौंप दिया जाए। यूपी पुलिस की कमान संभालने के हफ्ते भर के भीतर डीजीपी सुल्तान सिंह ने एंटी रोमियो दस्ते के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के अधिकारियों के साथ इस बारे में एक अहम बैठक की और नए निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वाड को मॉरल पॉलिसिंग की इजाजत कतई नहीं है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। साधारण मामलों में पूछताछ करके अभिभावकों को जानकारी दी जाए। गंभीर मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी का भी अधिकार है। कोई भी कार्रवाई से पहले आरोपी की उम्र का पता लगाएं। एसएसपी और एसपी को दिशा निर्देश तैयार करने को कहा गया है, जिसमें साफ साफ इस बात का जिक्र होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। एसएसपी और एसपी से कहा गया है कि वो निजी तौर पर एंटी रोमियो स्क्वाड को बताएं कि उन्हें मामले की जाँच नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुंडा तत्वों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करनी है। एंटी रोमियो से जुड़े मसले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने को कहा गया है।